गाइस, वेलकम अगेन टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द नांत। इन दिस एपिसोड वी विल एक्सप्लोर द नॉर्थ डैम ऑफ द नांत। गाइस, ये है दिनांत की चर्च। कम विथ मी, लेट्स गो इनसाइड। एंड इसकी मोस्ट आइकॉनिक पार्ट है ये चर्च के टॉप में जो हमें पियर शेप का बेल टावर दिख रही है, वो है यहाँ का आइकॉनिक पार्ट। अब दिनांत के कहीं पे भी रहो, ये पार्ट आपको बहुत दूर से भी दिख जाती है एंड बहुत सुंदर भी दिखता है। This is also called as the symbol of Dinant. पहले ये चर्च जब 10th सेंचुरी में बनी थी ये रोमानियन स्टाइल में था, लेकिन 1227 में यहाँ ऊपर से एक बहुत बड़ा रॉक आके इसके ऊपर गिरा था, तो ये डिस्ट्रॉय हो गया था और उस पर 37 पीपल भी मर गए थे। तो उसके बाद 13 सेंचुरी में ये फिर गोथिक स्टाइल में बना गया और उस इंसिडेंट में 36 पीपल डाई किए थे। सो 1250 में इसको रीबिल्ड किया गया गोथिक आर्किटेक्चर में एंड ये कंप्लीट हुआ था बाय 1280। दिस चर्च इज बिल्ट एंटायरली फ्रॉम द ग्रे लाइमस्टोन ऑफ द नांत। जो आप स्टेन ग्लास वर्क यहाँ पे देख रहे हैं इसके विंडो में, ये ड्यूरिंग 18th to 19th सेंचुरी यहाँ पे लगी थी एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेन ग्लास विंडो इन यूरोप। इसके टॉप में जो पियर शेप का बेल टावर है, आज उसको दिनांत का स्काईलाइन बोला जाता है और उसी की वजह से ये बाकी चर्च से यूनिक बनता है, जो कि इसको एक ब्यूटीफुल लुक एंड स्पेशल बनाती है। और ये पियर शेप टावर बेल लगी थी 1500 में।